इस तरह से नमाज पढ़ी कि बैतुल्लाह और बैतुल मक़द्दस के सामने आए। लेकिन इस राय को मानना बहुत दुश्वार है क्योंकि बैतुल मक़द्दस शमाल की तरफ है और बैतुल्लाह जुनूब की तरफ है और एक दूसरे के बिल्कुल मुतज़ाद सिमतों में है। और ये भी कहा गया कि सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकद्दमा के बाद हिजरत की तो मदीना के बाद में आपने उस कबीलत बैतुल मक़द्दस को अपना इब्ना बनाया। पर हकीकत यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 महीने तक बैतुल मक़द्दस की तरफ मुंतकर की नमाज पढ़ते रहे और आपका ये भी ख्याल था कि यहूदी क़िबले के इस इश्तिराक की वजह से इस्लाम की तरफ आएंगे और कुछ मायूस होंगे। लेकिन यहूदियों ने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बार बार की बात आती थी कि किसी भी तरह अल्लाह ताला तौहीद कुबला को दे दे और हम तो बैतुल मक़द्दस की बजाय बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें और बैतुल्लाह से अल्लाह का जो वालिहाना ताल्लुक रहा है वो ये जो पूरी वादी है इस उन्वान से सब लोग जानते थे और मक्का इसको कहते थे। मक्का इसी का नाम है और ये ऐसी वादी ऐसी जगह ऐसा मुकाम था कि दुनिया के बड़े बड़े मजाहिब के पेशवा यहाँ पर आते रहे। अत्ता के अब आप दुनिया के लोग को अगर देखें तो गुरु नानक सिख मत यहाँ से शुरू हुआ वो भी बैतुल्ला गए और हनफी फुकहा के नजदीक काफिर हो या मुसलमान सबको बैतुल्ला जाने की इजाजत है और सिर्फ एक ही सूरत में मना किया जाएगा और वो सूरत ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम कौम लड़कर बैतुल्ला को फतह करना चाहे तो शरीयत कहती है कि मर जाओ मगर काबतुल्ला को कब्जा ना होने दो। काफिरों का गलबा और तसल्लुत और जंग की सूरत में जाना नाजायज पर हमारे हनफी फुकहा के नजदीक इसके अलावा किसी भी सूरत में बैतुल्ला ले जाया जा सकता है। ये शरीयत का मसला है इसे किताबों में देखें और उन लोगों से पूछें जिन लोगों ने इनको हासिल किया है। एक लड़े के लिए फर्ज कर लीजिए कि सदर अमरीका को ले जाते बैतुल्लाह पूरी दुनिया खड़ी होती कि ये क्या गजब हो गया। और अगर इल्म की बात करते तो बाहर वहां जाने में किसी भी गैर मुस्लिम के कुछ कबाहत नहीं। कहते हैं कि तुम्हारे मनासिक देखें तुम्हारा तवाफ देखें खुदा के सामने रोना देखें तो उन्हें एहसास हो कि दुनिया में कौम ऐसी भी है जिसे अल्लाह से इतना ताल्लुक और मोहब्बत है। तो रिसालत बना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि बैतुल्लाह को क़िबला करार दिया जाए और यहां तक कि जब हिजरत को 17 महीने गुजरे या 16 महीने
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حضرت بشر بن گواہ بن معروف نے، اور یہ روایت حضرت برا بن عاصم رضی اللہ عنہ کی ہے، اور برا بن عاصم رضی اللہ عنہ حضرت سالم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محبوب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جنہوں نے احادیث بھی بکثرت روایت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ایسا تعلق کے خاطر تھا کہ ایک مرتبہ چند صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا تم میں سے ایک کی شہادت واقع ہوگی آگ میں جل کر، جو آگ میں جل کر شہید ہو، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور میں اکیلا رہ گیا، اور برا بن عاصم رضی اللہ عنہ کو سردی لگتی تھی، بہت شدید اور کپکپی کاری ہو جاتی تھی، اور اس وقت کے اطباء نے جو علاج تجویز کیا کہ برا رضی اللہ عنہ بیٹھے ایک تختے پہ اور اس کے پیچھے دیگے رکھی جائیں اور ان سے دھاپ اٹھے اور برا رضی اللہ عنہ کے جسم کو چھوئے تاکہ سردی دور ہو، برا رضی اللہ عنہ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، ایک مرتبہ اسی طرح بیٹھے اور کھوتے پانی کی دیگ میں گر گئے، اس سے ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ یہ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور سب سے زیادہ قبلے کی روایات ان کی ہی، اور برا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بشر بن برا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ تشریف لے گئے، اور یہ جو دعوت کرنے والے بشر بن برا ہیں یہ بہت مقابل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، یہ ان لوگوں میں ہیں جو بدر میں شریک رہے، احد میں شریک رہے، احد میں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی حفاظت پہ متعین فرمایا تھا لیکن یہ نہ کر سکے، پھر خندق میں شریک رہے ہیں، پھر خیبر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور زینب نام کی ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی، اور جب گوشت بھنی ہوئی بکری سامنے لائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا انہی بشر کو بھی شروع کر، اور بشر بن برا نے گوشت زبان پہ رکھا اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کی ایک گھوٹی زبان پہ رکھی اور بشر گرے اور وہیں پہ ختم ہو گئے، اس میں ایسا شدید زہر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوٹی کو منہ سے باہر اگل دیا، اور وہ زہر کا اثر اگرچہ آپ کی زبان سے جسم میں پہنچا، اور وفات سے پہلے بھی آپ کہتے تھے کہ وہ زینب نے جو زہر دیا تھا خیبر میں اس کی جلن ابھی تک مجھے محسوس ہو سکتی۔ بشر رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ آپ تشریف لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے، اور ان کی روایت یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھا رہے تھے اور عصر کی نماز تھی اور اس میں دوسری رکعت آپ نے پڑھی اور اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ترا تکتب اول فکر سما، کہ جو آپ آسمان کی طرف نماز میں بار بار نگاہ اٹھاتے تھے اسے ہم نے دیکھ لیا، فرن ولی اتنا ہمیں قدر بغوارا، اور ہم اسی بیت اللہ کو قبلہ بنا رہے ہیں جس پہ آپ روش ہے اور آپ راضی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سنا اور کہا ماں اسرا اتنی کر رکھو، اللہ کے رسول آپ کا دل رکھنے کا کتنا اللہ کو پیار ہے کہ آپ کا دل جس چیز کو چاہتا ہے اللہ اس کے مطابق وہی نازل کر، اللہ کو آپ سے ایسا تعلق ہے، آپ تعلق واقعات اس پہ ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہلے اور آدھا دائرہ باقاعدہ کاٹ کے جو آخری صف تھی
औरतों की दूसरे मामल पर आई और औरतें जिन्हें अपनी सफों में मर्द भी मिले और ये पहली नमाज थी जो दोनों तरफ पढ़ी गई, बैतुल्लाह की तरफ आखिरी दो रकअतें और बैतुल मक़द्दस की तरफ पहली दो रकअतें। जिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने ये कहा कि मगरिब की नमाज पहली थी, वो इस एतबार से कहते हैं कि वो पहली नमाज थी जो तीनों रकअतें बैतुल्लाह की तरफ पढ़ी। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुम गुजर रहे थे और उन्होंने कुबा वालों को अगले दिन फजर में देखा और वो बैतुल मक़द्दस की तरफ करके नमाज पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि अशहदु बिल्लाह, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है ना कल क़िबला, आपने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया है और बैतुल्लाह की तरफ करके नमाज पढ़ते हैं पढ़ी है। चुनाचे जो कौबा के सहाबा हैं कहते हैं कि पहली नमाज फजर की थी जो हमने क़िबला की तरफ पढ़ी, बैतुल्लाह की तरफ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाकया पेश आया है बदर से पहले और बदर के रमजान में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाकया या तो रजब में पेश आया है या शाबान में पेश आया है। इतनी और मस्जिद नबवी की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले रख दी थी। यहां से क़िबला की तामीर शुरू हुई है और क़िबला यहां से मुसलमानों का बदला है और ये इतना बड़ा वाक़िया था कि पूरा अरब और नाथों ने सर पे उठा लिया। उन्होंने कहा आज ये हमारा क़िबला बदल रहा है, कल को देखना ही तुम्हारा सारा दीन बदल देगा। दूसरे पारे की पहली आयत अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, अल्लाह का से यकूल सुफहा, बेवकूफ लोग ये कहेंगे कि माबल्लाह हकीकत इस्लामी का पाड़ी हा, किस चीज ने इन्हें फिर दिया है, बैतुल मक़द्दस की बजाय ये कुबैत अल्लाह की तरफ रुख करने लगे हैं। अल्लाह ताला ने मुज़म्मत फरमाई है उन लोगों की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल पर इतराज करते थे और हम करार दिया है अपने जो नबी अलैहिस्सलाम के अफ़ाल पर इतराज करें। एक है हिकमत का दरियाफ्त करना वो क़यामत तक बाकी है। आप पूछते हैं कि शरीयत के काम में क्या हिकमत है, बिल्कुल ठीक है, आप पूछिए कौन लोग हैं। एक है इतराज करो कि ये नहीं होना चाहिए था, नहीं क्यों नहीं होना चाहिए, आप पढ़ी है, अल्लाह ने नाज़िल की है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब संगे बुनियाद रखा मस्जिद नबवी का तो मेहराब कौन होता था। ये मेहराब को मुसलमानों में 80 हिजरी में बनना शुरू हुए हैं और उससे पहले सीधी दीवार होती थी और पहली सब में खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा देते थे, बस इतनी बात होती थी। ये तो बहुत बाद में शुरू हुआ है, हजरत रिसालत बना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के भी 70 साल के बाद मुसलमानों ने मेहराब बनानी शुरू किया है, मक्का के नाम से लाचला वगैरह, ये सारा दौर इन चीजों से खाली। चुनाचे मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई और मस्जिद नबवी की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है तो बाबू राय वगैरह में आता है कि दरमियान के सारे पर्दे हटा दिए गए और आपने बैतुल्लाह को देखा और देखकर मस्जिद नबवी का पहला पत्थर रखा, बन गई तैयार हो गई मस्जिद। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत में पहली मरतबा खिलाफत राशिदा में हुक्म जारी फरमाया और कहा जितने शहर मालिक पता हो गए हैं हर शहर में बड़ी बड़ी मस्जिदें तामीर करो जहाँ पे लोग जुमा पढ़े और मोहल्लों में छोटी मस्जिदें तामीर करो जहाँ लोग पंच वक्ती नमाज पढ़े। लेकिन सोचने की बात यह है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो एक एक बात का ख्याल रखते थे, किसी को नहीं भेजा कि क़िबले का रुख कैसे मुतय्यन हो,
और इससे भी बड़ा वाकया पेश आया और अहमद इब्ने कुलून रहमतुल्लाह अलैह जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के उनसे भी बुलंदर आदमी थे, बड़ा पाए का मार्के का गवर्नर था। उन्होंने मिस्र में मस्जिद बनाना चाही और मिस्र में मस्जिद की तामीर के लिए उन्होंने खास तौर पे इंजीनियर भेजे और कहा कि पैमाइश करके आओ मस्जिद नबवी की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से मस्जिद का किबला मुतय्यन फरमाया है वैसे ही मस्जिद का किबला रखेंगे। तो बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी का जब फर्क निकाला गया ज्योमेट्री के जरिए तो मस्जिद नबवी उस वक्त भी और आज भी बैतुल्लाह से 10 डिग्री लगी हुई। जो लोग ज्योमेट्री जानते हैं और जो लोग कपड़ा काटते हैं, जो लोग जहाज चलाते हैं, जो लोग नक्शे बनाते हैं, इनसे पूछेंगे 10 डिग्री का फर्क कितने 100 फुट का फर्क पड़ जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी का किबला देख कर रखा पत्थर, इसका मतलब ये था कि बस बैतुल्लाह की तरफ मुंह करना है। ये मुराद नहीं नाक और पेशानी से कोई लकीर निकले और बैतुल्लाह को चीरनी हुई चली जाए, उस सब पे मुंह कर लेना काफी। इसीलिए सैयदना उमर रजी अल्लाह ने मुसलमानों पर छोड़ दिया कि जिस सब को तुम्हारी अकल सोच बैतुल्लाह की सब करा देती है बस उसे देखकर अपनी मस्जिद का किबला मुतय्यन कर। आमद इब्ने कुलून ने अपनी मस्जिद का किबला मिस्र में जब रखवाना चाहा, मस्जिद नबवी की पैमाइश हुई तो 10 डिग्री, ये अल कुतुब में अल्लामा मकरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारी चीज लिखी है और उन्होंने लिखा है कि 10 डिग्री कैसे इन्हिराफ है मस्जिद नबवी का बैतुल्लाह से। और ये हनफी फुकहा की बहुत बड़ी दलील है कि वो कहते हैं कि बैतुल्लाह की तरफ बस मुंह कर लेना काफी है। मुंगली फुकहा की भी और शाफी फुकहा कहते हैं कि नहीं, इंसान के चेहरे से निकली निकले और बैतुल्लाह के बीच से गुजरे, इसलिए आप यमन में चले जाए जहाँ शाफी मसलक लोग हैं वहां चले जाए, वहां मस्जिदें गोल बनती, हमारे मस्जिदें चौकोर बनती। आपने कभी और की है कि गोल मस्जिद और चौकोर मस्जिद में फर्क? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चेहरा मुबारक गोल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कजले अस्वद की तरफ नहीं हुआ, मीज़ाब की तरफ हुआ मस्जिद क़िबला कायम में। और ईसाई में रिवायत आती है बिजली की वजह से आज 5 फुट ज्यादा है, ईसाई में रिवायत आती है कि ये कुछ नहीं हुआ, ये बस युद्धी का मौके था। युद्धी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे साधे मस्जिद में तशरीफ लाए, मिंबर पर बैठे और इरशाद फरमाया मुझ पर अल्लाह ने इतना दिन किया है कि अंदर से बैतुल्लाह की नमाज तरफ करके नमाज पढ़नी है और अपने जौ की नमाज करनी पड़ी। साहिब उल मानी ने दूसरे पारे की पहली आयत की सारी बहस की। अहमद ने दुल्लू रहमतुल्लाह अलैह ने जो मस्जिद बनाई उस मस्जिद से पहले मिस्र में सबसे पहली मस्जिद सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म पे उमर बिन अल-आस फातेह मिस्र ने बनाई थी। उमर बिन अल-आस रजी अल्लाह अन्हु की मस्जिद हम देखने गए मिस्र में, जब जाकर नजर शरीफ में गए तो हमने खुद देखा कि हजरत उमर बिन अल-आस रजी अल्लाह अन्हु की मस्जिद में और अहमद बिन कुलून की मस्जिद में वाज़े तौर पर क़िबले का फर्क, तो समझ में आया कि हनफी फुकहा ने इस पे फैसला भी किया है बिल्कुल ठीक है 10 डिग्री तक। और इसी से ये मसला बयान करते हैं, आप किसी भी अच्छे मुफ्ती से जाके पूछें, फुकहा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी 45 डिग्री राइट या लेफ्ट पे हो जाए बैतुल्लाह से तो उसकी नमाज बिल्कुल ठीक है, बगैर कराहत के ठीक है, कोई हर्ज नहीं। 45 डिग्री बैतुल्लाह से दाईं तरफ हो जाए, बैतुल्लाह से बाईं तरफ हो जाए, नमाज बिल्कुल ठीक। ये जो एक एक इंच का फर्क लोग निकालते रहते हैं ना, शरीयत पे ये मंजूर नहीं है।
इसकी बड़ी मिसाल है, लेकिन जाहिर है कि हम सब दीन इजाजत दी। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 डिग्री का फर्क रखा, कुबा ने कहा बैतुल्लाह से 45 डिग्री इधर नमाज पढ़ लो, इधर नमाज पढ़ो। अल्लाह ने कहा बाप ही फर्क कर दी। अल्लाह ने कहा भाई नमाज पढ़ो तो समझ लोगों का तुम्हें इतना का ना पता चल रहा हो तो सोच समझ के जिधर भी मुंह करो पे अल्लाह उधर ही। ये सारी चीज बताने का मकसद ये है, इस मस्जिद में ये सब तामीर और चीजें आपने देखी। हमने दरख्वास्त की क्या इस मस्जिद की सब सीधी नहीं करते, जब सीधी करेंगे एक सब वक्त निकल आएगा, लोग ज्यादा हाल में आ सकेंगे और इंतजामी अमूर में भी इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ये मस्जिद की सब में हमारा मशवरा यही है कि माने ना माने उनकी अपनी मर्जी है, कोई नाराजगी की बात नहीं, लेकिन अगर ये कर दें और आइंदा से आप नमाज सीधे होके पढ़े इस टेढ़े पद को इस कोन को अगर ये निकाल दें शिफ्ट तकरीबन ये नीचे की तरफ को निकाल दें तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई एतराज की बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। एक डिग्री का फर्क पड़ता भी है तो कौन सी ऐसी बात है, 45 डिग्री का फर्क है तो सबसे अच्छी है। आसन फतावा में तदरीशी साहब ने की है, इसलिए जब आपकी सफर में जाता है ट्रेन में बस में जहाज में तो इसकी कोशिश जहनी तौर पर तो करनी चाहिए कि आपकी सोच ले मुझे किधर मुंह करके नमाज पढ़नी है, कितना इधर किधर होगा। लेकिन इससे ज्यादा कोच में पढ़ना ये ठीक नहीं है। 45 डिग्री इधर भी नमाज लगती है, 45 डिग्री इधर भी नमाज हो जाती है, मकरूह भी नहीं होती है। किसी को शुभ होना कि नमाज शुरू हो जाती है, मकरूह भी नहीं होती। ये काफी ये किबला है जो दो हिजरी में बदर से पहले उसकी रोशनी में नमाज निकाल देते हैं, कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये सब कुछ शरीयत के मुताबिक है। अल्लाह का नसीब।